हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यह इंग्लिश प्रोज का लास्ट लेसन है, मैंने ऑलरेडी 1 लेसन से लेकर 6 लेसन तक के फिल इन द ब्लैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो केवल हमारा जो लेसन बचा हुआ था वह था द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यही लेसन बचा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को भी कवर कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमसे भविष्य में भी जुड़े रहें और मेरे सारे जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट वहाँ पर होते हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं लेसन का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस लिखे हैं तो उन्हें एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, मच दैट वाज इन इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी परिश्ड। मच दैट वाज यूजलेस यानी ज़्यादातर जो बेकार का था इन इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति में हैज ऑलरेडी परिश्ड, पहले से ही नष्ट हो चुका है या समाप्त हो चुका है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है हमारा यूजलेस। ठीक है, तो यूजलेस को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसके बाद है द चार्म एंड ग्रासियसनेस शान ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। तो इसमें जो ग्रासियसनेस है शान है वहीं सही है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को आप माइंड रख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है परंपरा विल रिटेन कायम रखेगा इट्स कंटिन्यूटी यानी अपनी निरंतरता को। तो कंटिन्यूटी इसमें जो है वो हमारा सही है, तो इसको भी मैं आपके लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टिक कर दिया हूँ। ठीक है, तो हिंदी सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो विडोज मतलब विधवाएँ हैव लॉन्ग टू बी बर्नट ऑन दियर हस्बेंड्स पायर्स। तो विडोस मतलब विधवाएं हैव लॉन्ग सीज समाप्त कर दिया गया है। टू बी बंट मतलब यानी कि टू बी बंट मतलब जलाया जाना ऑन दियर हस्बेंड्स पायर्स अपनी पतियों के चिताओं पर। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वह है सीज समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अंडरलाइन मैं वहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद हिंदू सिविलाइजेशन विल कंटिन्यूटी। तो हिंदू सिविलाइजेशन अर्थात हिंदू सभ्यता विल कंटिन्यूटी यानी कि विल रिटेन कायम रखेगा। तो यह इससे पहले भी आया था रिटेन कायम रखेगा। ठीक है, तो यह सही हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखेंगे मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी। तो यह भी पहले आया हुआ तो यह हो जाएगा हमारा परिश्ड समाप्त कर दिया गया है या समाप्त हो चुका है, तो यह हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं तुम्हारा जो सातवां है वह है द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज इट सेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग स्वीकार कर रहा है या अनुकूलित कर रहा है इट सेल्फ मतलब अपने आप को प्रेजेंट डे कंडीशन यानी वर्तमान दिनों की दशा के। तो यहाँ हमारा जो अडेप्टिंग है वही सही है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसके बाद जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक का वह है महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज इंडियन कल्चर। तो इसमें जो फंडामेंटल्स है वही सही है, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएँ। तो यह फंडामेंटल्स हमारा जो है वह सही है जिसका हिंदी अर्थ होता है मूलभूत। तो यह हो गया इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया 8 इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन जो कि आपके हेरिटेज ऑफ इंडिया से थे, यही लास्ट लेसन बचा हुआ था। तो मैंने इस वीडियो में आपको शो कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हद तक यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और अच्छी तरह से। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।